नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों यार, हमेशा आपके लिए एक नए नए टाइप्स के वीडियो में लाता हूँ। आज जो एक नया टाइप का जो कि यार फ्यूचर जिसका होने वाला है उसके रिलेटेड आज का वीडियो है दोस्तों, जिसका नाम है NFT। काफ़ी लोग NFT को जानते हैं और काफ़ी लोग NFT से परिचित नहीं है। NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। आज का वीडियो यार फ्यूचर ग्रोथ के लिए या फ्यूचर ग्रो के लिए बनाया हुआ है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यार NFT की हेल्प से आप कुछ सालों में करोड़पति तक बन सकते हैं। जी हाँ, आपने फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक पाइप पकड़ा हुआ धूम्रपान करता हुआ एक व्यक्ति जिसकी NFT चित्र 7.6 मिलियन $ में बिका, यानी कि 56 करोड़ रुपए में बिका। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है जिसका आगे मैं विस्तार से अध्ययन करूंगा। दोस्तों यार, NFT मार्केट को हम यूं समझ सकते हैं कि इंटरनेट पर सबसे बड़ा जो वैल्यूएशन वाला, जो सबसे ज़्यादा बिक्री वाला जो मार्केट चल रहा है वो NFT मार्केट है। यानी कि 69 मिलियन $ का मार्केट बन चुका है NFT मार्केट, और हर कोई यार NFT की बात कर रहा है आज के समय में। चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, एलोन मस्क हो, या फिर दूसरे बड़े बड़े उद्योगपति, सब लोग NFT, क्रिप्टो करेंसी और मेटावर्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स, NFT सभी एक ही यार सिक्के के पहलू है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आज हम जिस पर्पस की बात कर रहे हैं उसका नाम NFT है। दोस्तों यार, फ्यूचर 2025 के बाद NFT एक ऐसा मार्केट बनने वाला है जो कि आपको करोड़पति लखपति तक बना सकता है। ये एक शुरुआती स्टेज है। हम यूं समझ सकते हैं कि समुद्र में नाव जो शिप है वो जाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन अभी भी किनारे पर खड़ी है। अगर आज आप सवार हो गए NFT मार्केट में, तो यार सोचिए, भरे समुद्र में आप उस उद्योगपति की तरह, उस अरबपति की तरह रहेंगे जो कि यार इस NFT मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है। पूरा विस्तार से समझाऊंगा NFT क्या है, NFT से पैसा कैसे कमाया जाता है, और NFT क्या क्या, किस किस टाइप से NFT से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, और किस किस टाइप का NFT होता है, पूरा ट्यूटोरियल देखना। और सबसे खास बात तो यही है यार कि आप लोग क्या है, मतलब आपको क्विक अर्निंग चाहिए, फट से पैसा कमाने का तरीका मिल जाए। हम तो बस झट से, हमें तो सब्र नहीं है, 2 मिनट में पैसा चाहिए हमें। जब मैंने NFT की बात करी होगी, फ्यूचर की बात करी होगी, तो बहुत सारे लोग तो इस वीडियो को ही स्किप करने पर आ गए होंगे, कुछ तो करके भी चले गए होंगे। लेकिन अभी भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे, आप लोगों में वो है यार पैशन, वो धैर्य रहे, जो आप यार कंट्रोल करके इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, लाइफ बदल सकती है NFT का बारे में अगर आपने सही से समझ लिया तो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपने वीडियो पर रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको NFT का महत्व समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू समझिए, अभी मौका है, नाव किनारे पर खड़ी है, भरे समुद्र में अभी मौका है। क्योंकि जो भी नई चीज़ आती है, शुरुआत में लोग उसके ऊपर हंसते हैं, फिर जब बाद में सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब एक्सेप्ट करते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं आता है। रियल फैक्ट बता रहा हूं। तो NFT क्या है, पहले तो नॉन फंजिबल टोकन है। NFT मतलब एक तरीके से जैसे कि कुछ भी NFT क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने कुछ डिजिटल चित्र बनाए, वो NFT के तौर पर आप सेल बाय कर सकते हैं, उसको ट्रेंडिंग में रख सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। या तो आपका चित्र हो सकता है, आपका कोई सा वीडियो हो सकता है, या फिर किसी का भी वीडियो हो सकता है, म्यूजिक, आजकल जो ऑनलाइन गेम चल रहे हैं मेटावर्स वाले, वो मतलब एनीवेयर जो भी हो वो NFT के तौर पर आप डाला जा सकता है। NFT बेसिकली एक डिजिटल संग्रह होता है। जैसे कि आपने वॉलपेपर देखा होगा या किसी का चित्र देखा होगा, आप उस चित्र को डाउनलोड करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है, लेकिन वो उस चित्र को कोई भी डाउनलोड कर सकता है। लेकिन NFT में ये होता है कि वो चित्र आपके पास ही रहेगा, कोई दूसरा उसको नहीं ले सकता, और आप जब चाहे उसे बेच सकते हैं, जब चाहे जो NFT प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लिस्ट कर सकते हो, और एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं फ्यूचर में जब उसकी सेल होगी, तब जब आप उसे सेल करेंगे। यानी कि मैं एक उदाहरण बताऊँ, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 7.6 मिलियन $ का एक धूम्रपान करता हुआ, एक पाइप पकड़ा हुआ व्यक्ति का चित्र बिका है 56 करोड़ रुपए का।
आप सोच सकते हैं कितनी वैल्यूएशन है। कुछ पांच छह तरीके बताऊंगा एनएफटी से अर्निंग करने के। तो यानी कि म्यूजिक हो गया, गेम्स हो गया, वीडियो हो गया, या फिर किसी भी टाइप का चित्र हो गया, इन सभी को आप एनएफटी के तौर पर संग्रह करके रख सकते हैं। इसको मार्केट प्लेस पर अपलोड करके सेल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, या फिर अभी सस्ते दामों पर किसी एनएफटी को बाय कर सकते हैं, फ्यूचर में उसे सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मौका है, क्योंकि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है। क्योंकि अभी 69 मिलियन US डॉलर का मार्केट हो चुका है, इंटरनेट पर सबसे बड़ा मार्केट है ये अभी के हिसाब से, और इतनी वैल्यूएशन वाला जिस तेजी से ये बढ़ रहा है। तो चलते हैं फटाफट एक एक करके एनएफटी के तरीके समझते हैं, एनएफटी कितने टाइप से हम बना सकते हैं, कितने टाइप्स के एनएफटी हम पैसा कमाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहला तरीका है एनएफटी से पैसा कमाने का, अपना खुद का एनएफटी क्रिएट करिए और उन्हें सेल करिए, बेचिए उन्हें। दोस्तों आप अपना खुद का एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि किसी ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, किसी वीडियो फॉर्मेट में एनएफटी बनाया जा सकता है, इमेजेस, या फिर कोई सा गेम्स हो गया, या फिर आजकल तो मीम्स के एनएफटी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप के एनएफटी आप क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली बहुत सारे इंटरनेट पर मार्केट प्लेस है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एनएफटी अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, और इन प्लेटफॉर्म का फ्री में यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा फीचर चाहिए तो फिर बाद में आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं, और स्टार्टिंग में इसकी किसी भी ब्लॉकचेन पर ये बेस्ड हो सकते हैं। फिर शुरुआत में इनकी प्राइस कम रख के धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगी, ऑब्वियसली आपका जो वैल्यूएशन है एनएफटी का वो बढ़ता जाएगा, और आपका जो इस एनएफटी की प्राइस है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, और एक बड़ा अमाउंट आप यहां से अर्न कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि थोड़ा सा आप अपना एनएफटी क्रिएट करके बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब नंबर टू तरीका जो एनएफटी से अर्निंग करने का, वो है ट्रेडिंग एनएफटी। आप क्या कर सकते हैं, एनएफटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जैसे ओपनसी है, इसके अलावा आप अपलोड करके एक प्लेटफॉर्म है, या फिर वजीरएक्स एक्सचेंज पर जब जाते हैं तो वहां पर आपको एनएफटी का एक मार्केट प्लेस मिल जाता है। तो इन मार्केट प्लेस पर आप सस्ते में एनएफटी बाय कर सकते हैं। इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च करिए, देखिए कौन से एनएफटी सस्ते में मिल रहे हैं, कौन से एनएफटी का फ्यूचर ब्राइट है, उन एनएफटी को आप सस्ते दामों पर आज खरीद के रख सकते हैं, उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर में जब उनके प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। दोस्तों जिस टाइप से आप सोच सकते हैं कि यार कितनी बड़ी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले लोग इस एनएफटी मार्केट में आ रहे हैं, तो ऐसे में यार आपका बनता है कि अगर फ्यूचर में आपने सपोज 100 एनएफटी बाय करे हैं सस्ते दामों पर, और फ्यूचर में एक भी अगर उसमें से ग्रो हो गई, या 10 भी ग्रो हो गई, 10 भी अच्छे दाम दे गई, तो आपके 100 क्या 1000 10000 एनएफटी की वैल्यू निकल जाएगी। बाकी 90 अगर बेकार भी चले गए, उनके दाम नहीं भी बढ़े, तो ये 10 ही आपकी इतनी पूर्ति कर जाएगी कि आपको करोड़पति तक बना सकती है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है कि एनएफटी ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों हाल ही में एक एनएफटी सेल हुई है दोस्तों ट्रेडिंग के द्वारा, वो 3 लाख यूएस डॉलर में सेल हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एनएफटी भी अगर सेल हो गई तो 3 लाख यूएस डॉलर की वैल्यू अगर आज के समय में निकाले तो कितना करोड़ बनती है। तीसरा तरीका एनएफटी से अर्न करने का, वो है स्टार्टअप एनएफटी। आप क्या कर सकते हैं, न्यू स्टार्टअप जो एनएफटी स्टार्टअप्स है उनमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। काफ़ी आजकल यार अगर आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो आप इन स्टार्टअप को खोज सकते हैं। इंटरनेट पर जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे एनएफटी स्टार्टअप्स मिल जाएंगे वर्ल्ड के, दो जो कि यार फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि यार ये इंडस्ट्री धीरे धीरे बहुत बड़ी हो रही है और फ्यूचर में एक बड़ा उतार लेगी। ऐसे में यार ये जो स्टार्टअप आज ओपन हुए हैं ये फ्यूचर में एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर जाने जाएंगे और एक बड़ा नाम, बड़ा बिग बुल के नाम से जाने जाएंगे। ऐसे में अगर आप सस्ते दामों पर इन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके रख देते हैं, जब इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, इन कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो आपका पैसा भी कई गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे में यार आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन के फ्यूचर में ग्रो, फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। आपको इंडिया में बैठे बिठाए ऐसे कई
म्यूचुअल फंड या फिर कई ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि विदेश में आपको इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, जैसे कि डायरेक्ट आप यूएस के नैसडेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं यहीं पर बैठे बैठे, ऐसे कई म्यूचुअल फंड है। तो यार बेहतरीन अवसर है आज के समय में इन स्टार्टअप में कम पैसा, कम इनका शेयर है उसमें इन्वेस्ट करके रख दीजिए, फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ेगी, आप एक बड़ा अमाउंट यहां से अर्न करेंगे। और जो चौथा तरीका है वो स्टेकिंग एनएफटी। दोस्तों अगर आप किसी एनएफटी पर दाव लगाना चाहते हैं तो एक बड़ा मौका है। आज आप किसी भी स्टेकिंग को, किसी भी एनएफटी की स्टेकिंग लेकर अपने पास उसकी लॉकिंग रख सकते हैं, फ्यूचर में जब उसके प्राइस बढ़ेंगे तो आप किसी को भी जब ऑन डिमांड उसको सेल कर सकते हैं और एक बड़ा मौका, एक बड़ा अमाउंट उससे कमा सकते हैं। क्योंकि हाल ही में ऐसे कई देखे हमने कि यार छोटे छोटे ऐसे मीम्स वाले एनएफटी बने जो कि यार उन्होंने स्टेकिंग रखी थी अपने पास और फ्यूचर में लोगों ने उसके ऊपर दाव लगाया और उन्होंने उसे सेल करा और करोड़ों रुपए अर्न करे हैं। तो एक बेहतरीन अवसर है कि आप स्टेकिंग एनएफटी के द्वारा करके एक बेहतरीन तरीके से अर्निंग गेन किया जा सकता है। या ये किसी भी रूप में हो सकता है, यानी कि आप म्यूजिक को रख सकते हैं, इमेजेस को रख सकते हैं या फिर किसी भी मीम्स को। आजकल तो मीम्स और इमेजेस इन दो का बहुत बोलबाला है, आप इन दोनों में एनएफटी में क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको इसके बारे में और डिटेल समझिए, आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा। देखिए एक वीडियो से तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप चाहते हैं एक वीडियो से मैं पूरा ज्ञान ले लूं, तो आपको शुरुआत ही हो चुकी है इस वीडियो से। आप इंटरनेट पर सर्च करिए, एनएफटी के बारे में पढ़िए, एनएफटी को समझिए, एनएफटी क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसके बारे में पूरी चीजें होती है, रिसर्च करिए। धीरे धीरे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगा और पूरी इंडस्ट्री को समझ पाएंगे आप एनएफटी। और जाते जाते लास्ट में एक और तरीका एनएफटी से अर्निंग करने का, वह गेमिंग एनएफटी। दोस्तों यार गेमिंग इंडस्ट्री आपको पता है कि कई सालों से चल रही है और फ्यूचर भी कई सालों तक इसका ब्राइट है। गेमिंग इंडस्ट्री खत्म नहीं होने वाली है और ऐसे में यार आजकल गेमिंग इंडस्ट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने लग गई है। ब्लॉकचेन वाले बेस्ड गेम आ चुके हैं मार्केट में जो कि एनएफटी का तौर पर है। यानी कि आपने देखे होंगे कोई से एनएफटी, कोई से जो गेम होते हैं कितने पॉपुलर हो जाते हैं। कई गेम्स इंडिया में आए, जैसे कि पबजी हो गया, फायरफॉक्स हो गया और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स आए थे मार्केट में। तो ऐसे में यार आप जो गेम्स एनएफटी है वो क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसका संग्रह कर सकते हैं अपने पास, फ्यूचर में उसे सेल कर सकते। हाल ही में गेम्स एनएफटी जो कि यार $100,000 में सेल हुआ था, केवल खेल खेल में उस गेम को क्रिएट करा था एनएफटी गेम्स को और वो $100,000 में सेल हुआ। तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कि अगर आप गेम में विश्वास रखते हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस इंडस्ट्री में उतर सकते हैं, गेमिंग एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट पर सर्च करिए, इनके तरीके मालूम पड़ जाएंगे और पांचों तरीकों को डिटेल में समझना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप से यार ये इंडस्ट्री काम करती है, किस टाइप से आप अलग अलग टाइप से एनएफटी में पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई होगी, लेकिन यार ये इंडस्ट्री नई है, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, इसके बारे में खोजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी और फिर देखिए यार ग्रोथ कितनी है। अभी ये मानिए कि ये एनएफटी मार्केट छोटी मछलियों के हाथ में है, अभी बड़ी मछलियाँ इसमें आना बाकी है और अभी ये बोट आपके किनारे पर लगी है, समुद्र में उतरना बाकी है। एक बड़ा मौका है दोस्तों, हाथ में हाथ समझ जाने दीजिए। फ्यूचर में आपको मालूम पड़ेगा कि यार काश उस टाइम ही हम इस पे काम कर लेते, मुझे तो 3 साल पहले इसके बारे में पता था। दोस्तों से यारों से बोलते रहेंगे 3 साल पहले से मुझे तो पता है एनएफटी के बारे में, तो भैया पता है, करा क्या, उसका बेनिफिट क्या उठाया? क्योंकि जो चीज़ नई होती है वो शुरुआत में अगर आपने बेनिफिट उठा लिया तो यार फ्यूचर ब्राइट है। फ्यूचर में जब पॉपुलर हो जाएगी, सबके पास रहेगी, प्राइस इतनी हाई हो जाएगी, उस टाइम क्या फ़ायदा है? एक बड़ा मौका है, हाथ से मत जाने दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। एनएफटी से अर्निंग करने का एक बेहतरीन वीडियो आपने देखा। अगर आप चाहते थे कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एनएफटी, तो नॉन फंजिबल टोकन से अर्निंग कैसे करें, कैसे इनकम जनरेट करें, तो एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए रहा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस टाइप के और भी नए नए टाइप की अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी जानने के लिए। नमस्कार।